दोस्तों आपका स्वागत है फिर से गैजेट बेस्ड हिंदी में। मेरा नाम है सुलभ। एआई का जमाना है और ओप्पो ने भी अपना महारथी रीनो 12 जो एआई ड्रिवन स्मार्टफोन है निकाल दिया है इंडिया के अंदर। सारी खूबियां जानेंगे इस स्मार्टफोन की, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। साथ ही में इसका क्विक कैमरा टेस्ट भी। आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है ओप्पो रीनो 12 5G का बॉक्स। दोनों तरफ ब्रांडिंग है, यहाँ पर 12 भी लिखा है, ओप्पो की ब्रांडिंग है। पीछे थोड़ी स्पेसिफिकेशन है, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर के अंदर। आइए अनबॉक्स करके देखते हैं आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों खुल गया ओप्पो रीनो 12 5G का बॉक्स। सबसे पहली चीज द स्मार्टफोन इटसेल्फ AI स्मार्टफोन है। रैप में से अभी मैं इसको निकाल के लेकर आता हूँ, तब तक देखते हैं आपको अगली लेयर्स में क्या चीज़ें मिल रही हैं। प्लास्टिक की लेयर हटाएं तो यहाँ पर मेरे को इसका जो केस है और साथ ही में क्विक गाइड भी देखने को मिल रही है। जी हाँ, क्विक गाइड यहाँ पर है, साथ में थोड़ा और रीडिंग मटेरियल है, सिम इजेक्टर टूल भी यहाँ पर दिया हुआ है एंड क्लियर केस नहीं है, जो फ्लूड ग्लास होता है वैसा केस है, पर हाँ दिखने में अच्छा है। बम्पर भी जो है वो फ्रॉस्टेड है। उसी के बाद है इसका फास्ट चार्जर। तो सुपर फास्ट चार्जर आपको 80 वॉट्स का इन द बॉक्स मिलता है और उसके बाद है यहाँ पर इसकी चार्जिंग केबल, USB टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल आपको इन द बॉक्स मिल रही है। तो देखा जाए ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको ओप्पो रीनो 12 5G के बॉक्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ हर बार की जैसे आपको ये वीडियो भी पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब बारी आ गई है अनबॉक्सिंग के बाद इसका फॉर्म फैक्टर देखने की, डिज़ाइन को जानने की और साथ ही में बात करेंगे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और प्राइस की भी। तो दोस्तों स्टार्ट हो गया ओप्पो का रीनो 12। स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन एस्पेक्ट्स के साथ। सामने आपको एक कर्व्ड टच स्क्रीन देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट एच टू एच है। चिन एरिया और हेड एरिया का दोनों का ही जो रूम है वो कम कर दिया गया है। कटआउट के अंदर आपको सेल्फी कैमरा मिलेगा, स्क्रीन प्रोटेक्टर कंपनी ने पहले ही लगा के दिया है यहाँ पर। राइट साइड की तरफ चले तो यहाँ पर पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर की है। पावर बटन इज नॉट द फिंगरप्रिंट सेंसर, द फिंगरप्रिंट सेंसर इज इन डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। टॉप की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको इसकी सेकेंडरी जो स्पीकर ग्रिल है वो देखने को मिलेगी। IR ब्लास्टर भी यहाँ पर दिया हुआ है और एक और माइक्रोफोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेफ्ट साइड पे आए तो एकदम प्लेन है, प्लास्टिक का फ्रेम है। बॉटम की तरफ चले तो यहाँ पर आपको प्राइमरी माइक्रोफोन देखने को मिलेगा, सिम ट्रे देखने को मिलेगी, USB टाइप सी और साथ ही में इसकी प्राइमरी स्पीकर ग्रिल है। थोड़े से फिंगरप्रिंट्स मेरे को इस पर देखने को मिल रहे हैं, पर हाँ क्विकली वाइप ऑफ करेंगे तो हट भी रहे हैं। अब चलते हैं इसकी ब्यूटिफुल बैक की तरफ। ऐसी बैक मैंने पहले किसी और स्मार्टफोन में देखी है, बहुत ही अच्छी बैक बनाई है, बहुत ही सुंदर बैक है। जो इवनिंग क्लाउड्स होते हैं, सनरेज हल्की हल्की आ रही होती हैं, वैसे क्लाउड्स बनाए हुए हैं इसकी बैक के ऊपर। बहुत ही सुंदर बैक है, ओप्पो की ब्रांडिंग है। यहाँ पर आपको कैमराज भी देखने को मिलेंगे एक बम के अंदर और साथ ही में LED फ्लैश भी है। AI कैमराज लिखा हुआ है यहाँ पर, AI कैमरा सिस्टम टू बी एग्जैक्ट। फील अच्छी है बैक की, मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये बैक। आपको कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए अब इसका वेट टेस्ट भी करके देखते हैं कितना भारी है ये स्मार्टफोन। आइए वेट चेकआउट करते हैं इसका, कितना वेट है इसका। इसका वेट है 179 ग्राम्स, नॉट बैड एट ऑल। हाथ में हल्का लग रहा था बट वेल बैलेंस्ड डिवाइस है, 179 इज क्वाइट नाइस। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब अगर बात की जाए ओप्पो रीनो 12 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर इसकी स्क्रीन के साथ। 6.7 इंचेस की आपको स्क्रीन मिलेगी, AMOLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का आपको डायनामिक रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर मिल जाएगा। जो ब्राइटनेस है वो 600 निट्स तक जाती है। HDR10, HDR10 प्लस दोनों सपोर्टेड है और स्क्रीन के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i लगाया आपको मिलेगा। इन साइज की बात करें तो MediaTek का Dimensity 7300 एनर्जी फॉर रीनो जो CPU है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑक्टा कोर CPU है, 2.5 GHz तक इसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड जाती है। जो GPU यहाँ पर आपको मिलेगा वो ARM का मिलेगा, G615। रैम और स्टोरेज की बात करें तो 8GB रैम आपको यहाँ पर मिलती है, LPDDR4X रैम है, प्लस 8GB आपको और मिल सकती है वर्चुअल रैम। साथ ही में 256GB की स्टोरेज मिलती है जो कि UFS 3.1 सपोर्ट करती है। कैमरा स्पेस नजर डालें
तो पीछे की तरफ आपको तीन कैमरास देखने को मिलेंगे। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है जो कि है सोनी का LYT 600, यहाँ पर OIS सपोर्टेड है। जो दूसरा सेंसर है वो है 8 मेगापिक्सल का सोनी का IMX355 और जो तीसरा सेंसर है वो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। आगे कैमरा की तरफ आएं तो यहाँ पर आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा जिसका अपर्चर साइज है 2.0। 5000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो कि सुपर फास्ट चार्ज की जा सकती है विद 80 W सप्लाइड फास्ट चार्जर। IR ब्लास्टर 5G दोनों ही सपोर्टेड है। ब्लूटूथ 5.4 भी है यहाँ पर और साथ ही में Wi-Fi 6 भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 3 साल के OS अपग्रेड भी मिलेंगे और साथ ही में 4 साल के सिक्योरिटी अपग्रेड भी आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाएंगे। अब प्राइस पर नजर डालें तो प्राइस इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, तो वहां पर जाके आप इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो हम इसका प्राइस आने से पहले बना रहे हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं ओप्पो रीनो 12 के ऑपरेटिंग सिस्टम के फर्स्ट इंप्रेशन की। यहाँ पर आपको कलर OS 14.1 मिल जाता है जो कि लगा हुआ है ऑन एंड्रॉयड वर्जन 14। ऑपरेटिंग सिस्टम स्मूथ है, काफ़ी अच्छा है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको ऐप ड्रॉअर भी देखने को मिलेगा, पर हाँ काफ़ी सारा ब्लोटवेयर है ऑन दिस डिवाइस। मिंत्रा, नेटफ्लिक्स, बहुत सारी स्नैपचैट, टाइल मैच, ऐसी बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी एप्लीकेशंस, बट लकीली आप इनको लॉन्ग प्रेस करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं तो इससे आपकी सेव हो जाएगी स्पेस। बट अदरवाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ क्वाइट नाइस। AI के काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर जो है कंपनी ने डाले हैं, जैसे कि अगर आप फोटोज में जाएंगे तो आप कटआउट भी कर सकते हैं। आपने ये देखे होंगे दूसरे स्मार्टफोन में भी, पर यहाँ पर भी ये फीचर्स आ गए हैं। साथ ही में आपको AI स्टूडियो ऐप भी मिलती है जहाँ पर जाके आप अलग अलग इमेजेस आप क्लिक कर सकते हैं, पर हाँ इसमें साइन इन करना पड़ेगा, आपको एक ओप्पो का अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इनको यूज़ कर सकते हैं, आपको क्रेडिट मिलते हैं फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो AI के काफ़ी सारे फीचर्स इसके अंदर आ गए हैं। फुल रिव्यू ऑन gadgetbuild.com। फर्स्ट इंप्रेशन इसके काफ़ी अच्छे हैं। अभी मैंने यहाँ पर इस पर मल्टी टास्किंग भी करके देखी है तो ऐप बहुत अच्छी तरह खुल रही है, फ्लूइड एक डिस्प्ले है। एक और अच्छी बात इसके डिस्प्ले की ये भी है कि एक्वा टच है, मतलब अगर आपके हाथ थोड़े से वेट हों या इसके ऊपर थोड़ा सा पानी गिर गया हो, आप रेन में इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इसको आराम से फिंगरप्रिंट के साथ अनलॉक कर सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट सेंसर आपके हल्के वेट टच से भी काम करेगा। आपको कैसे लग रहे हैं ये सारे फीचर्स, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फुल रिव्यू ऑन gadgetbuild.com, तो वहां पर जाके आप इसे पढ़ सकते हैं। तो सब बारी आ गई है इसका क्विक कैमरा टेस्ट करने की। 3 images क्लिक करके देखते हैं, इंडोर्स, आउटडोर्स और इसके सेल्फी कैमरा के साथ। आइए कैमरा परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो दोस्तों बारी आ गई है ओप्पो रीनो 12 का क्विक कैमरा टेस्ट करने की। 3 images क्लिक करके देखते हैं, इंडोर्स, आउटडोर्स और इसके सेल्फी कैमरा के साथ। पहले इंडोर इमेज क्लिक करके देख लेते हैं कैसी आती है ये इमेज इन गुड लाइटिंग कंडीशन। पर उससे पहले मैं आपको नेटिव ऐप के सारे मोड दिखाता हूं। यहां पर प्रो मोड है, वीडियो मोड है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है। मोड में जाएंगे तो आपको और सारे मोड देखने को मिलेंगे, जैसे कि नाइट मोड है, हाई रेज मोड भी है, पैनो भी है, मैक्रो भी है। यहाँ पर चलते हैं हाई रेज मोड के अंदर। यहाँ पर एक इसके कैमरा के साथ हाई रेजोल्यूशन में क्लिक करके देखते हैं इमेज कैसी आती है। 50 मेगापिक्सल आप ऊपर देख सकते हैं, स्टार्ट हो गया इसका कैमरा। तो यहाँ पर ऐसी आई है इसकी इमेज, वेरी वेरी नाइस। डार्थ वेडर काफ़ी अच्छा लग रहा है इन इज बैटल सूट। आप देख सकते हैं द क्लैरिटी, द कलर्स आर ऑल्सो वेरी गुड। द क्लैरिटी इज वेरी नाइस, द शार्पनेस इज सुपर्ब एंड द कलर्स आर वेरी वेरी क्लोज टू लाइफ। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में भी अच्छी तरह डिस्टिंग्विश किया है इस कैमरा ने। चलिए 2 और इमेजेस मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ इसके सेल्फी कैमरा से एंड आउटसाइड। तो दोस्तों हो गई हैं 2 और इमेजेस क्लिक। ये मैंने सेल्फी क्लिक करी है इन द पोर्ट्रेट मोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं द कलर्स आर नाइस, थोड़ी स्किन स्मूदिंग ज़्यादा है, मेरी ऐसी स्किन नहीं है, पर हाँ गर्ल्स को, लड़कियों को जो इंस्टाग्राम पर ज़्यादा होती हैं उनको अच्छी लगेगी, बिकॉज ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मेकअप लगाया हुआ है। मैंने मेकअप बिल्कुल भी नहीं लगाया हुआ, पर हाँ इमेज में ऐसा लग रहा है। बट अदरवाइज द इमेज इज नाइस, द कलर्स जो बैकग्राउंड के भी हैं बोके इफेक्ट उसमें भी अच्छे आए हैं, वाइब्रेंट इमेज आई है, बुरी इमेज नहीं आई है, चल सकती है। यस, गर्ल्स विल लाइक इट मोर, बॉयज मे बी। यहाँ पर अगर आप आएंगे बाहर की तरफ तो बाहर की इमेज काफ़ी अच्छी आई है, डिफ्यूज लाइट है, इवनिंग का टाइम है, यू कैन सी द क्लैरिटी, जैसे कलर्स हैं वैसे ही आए हैं एंड द डिटेलिंग इज वेरी वेरी नाइस। दिस इज अ वोवन पेंटिंग जिसे कहते हैं ना, वो है। एंड आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी बहुत ही अच्छी तरह क्लैरिटी के साथ
दिख रही है। नॉट बैड एट ऑल ओप्पो, मेरे को काफ़ी मज़ा आया इस इमेज को क्लिक करके। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी इस स्मार्टफोन के कैमरा से, बट द 50 मेगापिक्सल हैज़ परफॉर्म रियली वेल। फुल रिव्यू ऑन gadgetbridge.com। अभी के लिए आपको कैसी लग रही हैं ये इमेजेस, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों तो ये था ओप्पो का नया AI ड्रिवन स्मार्टफोन, आपको कैसा लगा नीचे मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ और भी जानना है आपको इस स्मार्टफोन के बारे में तो आप मेरे से मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल्स पे भी पूछ सकते हैं, या लाइक ऑलवेज नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मेरा नाम है सुलभ, आप देख रहे हैं गैजेट ब्रिज हिंदी, मैं आपसे मिलूंगा अगली बारी।